नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मोन्नत दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड सियासत और राजनीति का वो अंचल है जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है और सदैव भारतीय जनता पार्टी की इस अंचल में रक्षा की। 2018 की अगर तस्वीर को हम नजरअंदाज कर दें तो सदैव ये अंचल भारतीय जनता पार्टी की हिफाजत करता है, लेकिन इसी बुंदेलखंड अंचल अब बगावत के सुर तेज हो रहे हैं और इस बुंदेलखंड अंचल को कांग्रेस ने पूरी तरह घेर कर रखा है। तमाम नेता यहां दौरे कर रहे हैं। इसी बीच एक दो दिन से निवाड़ी जिले में, निवाड़ी विधानसभा में एक फोटो वायरल हो रही है। रोशनी यादव ये सियासी घराने से ताल्लुक रखती है और कमलनाथ के साथ इनकी एक फोटो यादव पट्टी पर हल्ला बरू हो। अब यादव की क्या समीकरण है पृथ्वीपुर निवाड़ी विधानसभा में, ये तो वहां के बासिंदे जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस को जिस यादव चेहरे की तलाश शायद पूरी हो पाई। अगर रोशनी यादव भाजपा छोड़ कांग्रेस में आ जाती तो एक बड़ी नुकसान इस क्षेत्र हो सकती है। हालांकि बगावत के जो है दौर जारी है और अब जो नेता है उनको भी उम्मीद है कि हमें पार्टियों से टिकट मिलना चाहिए। बस यही जरूरत है अब एक नई बगावत बुंदेलखंड में पैदा करेगी, चाहे वो कांग्रेस के पाले से हो या भारतीय जनता पार्टी के पाले। देखिए इस खास रिपोर्ट हमारे साथ सागर एक्सप्रेस न्यूज। सागर का शानदार होटल रॉयल पैलेस, स्विमिंग पूल, कोहिनूर रेस्टोरेंट, डायमंड बार के साथ एसी लग्जरी रूम, बैंक्वेट हॉल एवं कॉरपोरेट जगत के लिए मीटिंग हॉल, तो अपने यादगार पलों को बनाए और भी खूबसूरत होटल रॉयल पैलेस के साथ। पता राजघाट रोड, सागर, मध्य प्रदेश। इस वक्त चंबल और बुंदेलखंड की सियासत में जोर है। बुंदेलखंड को मानो कांग्रेस ने घेर लिया है। इस अंचल में एक के बाद एक कांग्रेसी नेताओं के दौरे हो रहे हैं। अंदरूनी कलह से और बगावत से सत्ता विरोधी लहर चल रही है। बुंदेलखंड के निवाड़ी विधानसभा में भाजपा की बड़ी नेता पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय राम नरेश यादव की पौत्र वधू इंजीनियर रोशनी यादव की एक तस्वीर सोशल मीडिया में तहलका मचाए हुए है। कमलनाथ जी के साथ उनकी यह तस्वीर सियासत में नया बवाल मचा गई है। लगा कि कांग्रेस में वो शामिल हो सकती हैं। बहन पूरे परिवार की लाज सम्मान सबका इस बेटी पे टिका हुआ है और इस पूरे परिवार क्षेत्र का मानना है कि आपको इस बार चुनाव लड़ना है, रोशनी यादव को चुनाव लड़ना है, तो इस नारी सम्मान के लिए और इस नारी की लाज बचाने के लिए मुझे इस चुनावी मैदान में उतरना होगा और इस बार मैं चुनाव लड़ूंगी। ये मैं बहुत पहले भी स्पष्ट कर चुकी हूँ और आगे भी मैं उसी अपने वादे पे अड़ी हुई हूँ। मैं चुनाव लड़ूंगी और जो इस नारी का सम्मान करेगा मैं वहाँ मैं चुनाव लड़ूंगी, जनता के आशीर्वाद से लड़ूंगी। इसको मैं बहुत स्पष्ट कर चुकी हूँ और अगर मेरी जनता आशीर्वाद देती है तो मैं बिल्कुल मैदान में उतरूंगी। निवाड़ी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के दो भारत से विधायक अनिल जैन हैं, लेकिन अब परिवारवाद के उन पर आरोप लग रहे हैं। उन्होंने अपनी पत्नी को भी नेता बना लिया है। साथ ही एक युवा नेता अमित राय जो सुर्खियों में थे पार्टी से निष्कासित हो गए थे, फिर पार्टी का हिस्सा बन गए। अमित राय के साथ ऐसे कई भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक की मुखालफत कर रहे हैं। निवाड़ी विधानसभा में अगर रोशनी यादव कांग्रेस में जाती हैं तो फिर पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है। निवाड़ी विधानसभा में एससी वोटर कुशवाहा और यादव समाज के साथ ब्राह्मण ठाकुर वोटर निर्णायक रहे हैं। ऐसे में रोशनी यादव का कांग्रेस में जाने के संकेत भाजपा को विचलित जरूर कर सकते हैं। अब निवाड़ी की आवाम और यहाँ की जनता का सोचना है कि हम बाहरी प्रत्याशी को तवज्जो नहीं देंगे। इस वजह से भाजपा विधायक को फायदा मिलता रहा है, लेकिन रोशनी यादव पृथ्वीपुर में रहती हैं, निवाड़ी विधानसभा में वो कई सालों से सक्रिय हैं, ऐसे में जनता के बीच उनका अच्छा प्रभाव है। बीते विधानसभा चुनाव में मीरा दीपक यादव को करारी शिकस्त मिली थी, जो समाजवादी पार्टी की नेता है और कांग्रेस के कैप्टन यादव भी तीसरे नंबर आए थे, बजाय सिर्फ बाहरी प्रत्याशी था।
लेकिन इस बार पार्टी में भाजपा विधायक का जबरदस्त विरोध है और सूत्र बता रहे हैं कि भाजपा को कांग्रेस से नहीं बल्कि अपनों से ही डर है। ऐसे में रोशनी यादव सियासत की एक नई पहेली निवाड़ी विधानसभा में जरूर बन सकती है। हालांकि यादव वोटर का बंटवारा हो सकता है क्योंकि समाजवादी पार्टी से मीरा दीपक यादव फिर चुनाव लड़ सकते हैं और अगर रोशनी यादव कांग्रेस में जाकर चुनाव लड़ती हैं तो यकीनन यादव वोट बट जाएगा जो दीप नारायण यादव और रोशनी यादव में बट सकता है। लेकिन सत्ता विरोधी लहर है उसमें विपक्ष को फायदा मिलेगा, यह सो आने सच है क्योंकि जो लहर चलती है उसी के अनुसार आवाम चला करती। रफत जाफरी, सागर एक्सप्रेस न्यूज, निवाड़ी। अब आपके शहर सागर में डाइट रेस्टोरेंट सुविधा के साथ अनुभवी ट्रेनरों सहित जेंट्स एंड लेडीज सनशाइन जिम, पता याद रखें, राजघाट रोड, तिली वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश।